हम जंगल को देखते हैं जहाँ पे हर तरह के जानवर होते हैं। इसी में एक चीता का परिवार भी होता है जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब जंगल में हर तरफ शांति है, लेकिन इसी बीच सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं और तभी एंट्री होती है जंगल के राजा शेर की। उसे देखकर चीता भागने लगता है, लेकिन शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। वो चीता को पकड़ लेता है और मार देता है। ये सब कुछ चीता के बच्चे देख रहे थे अपनी आंखों से, और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब उनमें से एक बच्चा रात में जंगल से भाग कर रोड पे आ जाता है, और तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें एक ज़ियान नाम का बच्चा बाहर निकलता है। उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। वो दोनों बच्चे को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो या तो कोई गाड़ी इसे कुचल देगी या फिर कोई जानवर खा जाएगा। इसलिए ज़ियान उसे अपने डैड से जिद करके उसे अपने घर लेके आ जाता है। अब ज़ियान के डैड को उस बच्चे को रखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन वो ज़ियान को मना नहीं कर पाते। और ज़ियान की मॉम जब उस छोटे बच्चे को देखती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि इस परिवार में कोई नया सदस्य आया है। दोस्तों, यहाँ पर ज़ियान के डैड को जानवरों से बहुत ही प्यार होता है। उनके पास लगभग